नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर मकराना से है, जहां शहर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा मकराना के अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में उपखंड क्षेत्र के 125 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ ने शुक्रवार शाम को बीएलओ कार्य का बहिष्कार शुरू किया है। उन्होंने शाम को 5:30 बजे वसुंधरा नगर से एसडीएम कार्यालय तक सांकेतिक आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद में एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि शिक्षकों को बीएलओ का कार्य बार दिया हुआ है, जबकि उनसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाना उचित नहीं है। आरटीआई की धारा 27 और प्रदेश के मुख्य सचिव के आदेश की अनुपालना में शिक्षक संघ शेखावत गत 26 जनवरी 2022 से गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार कर रहा है। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस बारे में पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी ने बताया कि अभी कुछ समय पूर्व हटाए गए बीएलओं की जगह भी शिक्षकों को ही लगाया गया है, जो अनुचित है। लगभग 95% शिक्षकों को ही बीएलओ कार्य पर लगाया गया है, जिनमें अन्य कार्मिकों की संख्या नगण्य है। अध्यक्ष चौधरी के नेतृत्व में बीएलओ ने एसडीएम जेपी बेरवा को बहिष्कार के निर्णय का सहमति पत्र सौंपते हुए बताया कि सभी ने सामूहिक रूप से बीएलओ कार्य का बहिष्कार का निर्णय लिया है। उन्होंने एसडीएम से क्षेत्र के सभी बीएलओ और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराने का आग्रह भी किया है। साथ ही जब तक कार्य बहिष्कार रखने की बात कही है। इस मौके पर गोविंद, मणिराम, भंवर सिंह, महेंद्र कुमार, विमला आर्य, शंकर लाल, रमेश, अर्जुन गांधी, राहुल, रमेश सानेल, राम अवतार, नरेश सहित बीएलओ कार्य पर लगे अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। मकराना से ब्यूरो रिपोर्ट, जेवन राजस्थान न्यूज। शेखावत के द्वारा 26 जनवरी 2022 से गैर शैक्षणिक कार्यों में जिन शिक्षकों को लगाया गया है, उनका विरोध किया जा रहा है। सारे प्रदेश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है, बहिष्कार हो रहा है। उसी क्रम में मकराना ब्लॉक में आज 100 से अधिक बीएलओ ने बीएलओ के कार्य का बहिष्कार करने के लिए सहमति पत्र लिखे हैं, जो कि एसडीएम साहब को अभी प्रेषित किए जाएंगे। शिक्षक संघ शेखावत की तरफ से ज्ञापन भी दिया जाएगा कि इस कार्य से शिक्षकों को हटाया जाए और इनको विद्यालयों में पढ़ाने दिया जाए। हमको पढ़ाने नहीं दिया जाता, दुनिया भर के कार्य कराए जाते हैं, इससे अल्टीमेटली विद्यार्थियों का नुकसान होता है और हमारे गुणवत्ता जो शिक्षा की है वो प्रभावित होती है। इसलिए हमारा सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से, शिक्षा मंत्री साहब से अनुरोध है कि वो शिक्षकों को जल्द से जल्द गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करके उन्हें अनुग्रहित करें।